नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों शुरू करते हैं, बाजार ने एक बार फिर से लाइफ हाई लगा दिया है। यहां पे कुछ स्टॉक हैं जो आपके लिए आज के आज ही पैसा बना के दे सकते हैं, उनके ऊपर भी बात करूंगा। लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए, अगर आज पैसा बना रहे हैं दैट मीन्स कोई ना कोई एक्शन है, और एक्शन से पहले अगर खरीदते हैं तो रिस्क पूरी होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 100% मैं ठीक होऊंगा, मे भी गलत पढ़ूंगा तो आप लॉस भी बुक करने के लिए तैयार होंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और स्टॉक की बात करते हैं। सबसे पहले बाजार का अपडेट देना चाहूंगा मैं आपको, एंड उसके बाद फर्दर बात करेंगे। कल के सेशन में अमेरिका के बाजार में एक तूफानी तेजी आते हुए देखी। अगर डाउ जोन्स की बात करें तो लगभग 366 पॉइंट्स की बड़ी तेजी आई है, 3 महीने का बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। अगर डाउ जोन्स की पर्टिकुलरली बात करें, 6 मंथ के हाई पे चला गया है डाउ जोन्स, इनफैक्ट ईयरली हाई लगाया कल के सेशन में उन्होंने, उच्चतम स्तर दिखाया। और यहाँ पे डाउ जोन्स भी लगभग ऊपर में 36,500 तक जाने की तैयारी कर रहा है। देखिए अगर अमेरिका के बाजार अब आपको आगे भागते हुए दिखे और हम कंसोलिडेशन में दिखे या फिर ना चले, तो ये समझ लेना कि जो हम लोगों ने अभी तक अमेरिका को आउट परफॉर्म करा है, वो अब अमेरिका थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। प्लस अमेरिका का बाजार अभी अपने हाई से बहुत पीछे, लाइफ हाई की बात की जाए तो अभी तो उन्होंने 52 वीक हाई लगाया और हम कंटिन्यू लाइफ हाई लगा रहे हैं। लगभग 19,000 के बाद आप कंटिन्यू लाइफ हाई लगा रहे हो, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आगे फ्रस्ट्रेट ना हो, परेशान मत हो, इसलिए मैंने आपको अभी बता दिया। अब अगर भारतीय बाजार पे आए वापस, तो देखिए निफ्टी ने आज फिर से 19,841 का हाई लगाया है। अभी 19,826 पे निफ्टी आपके लिए ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लगभग 82 पॉइंट्स की तेजी में। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो लगभग 45,570 पे 150 पॉइंट्स की तेजी के साथ। सेंसेक्स ने एक बार फिर लाइफ हाई लगा दिया है, 67,088 का मार्क टच कराया आज के सेशन में, तो 67,000 तो ऑलरेडी हो गया है सेंसेक्स। 1,00,000 कब तक हो जाएगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मेरे को लगता है 2026 या 28 तक हो जाना चाहिए इजीली। आगे बढ़ते हैं, सेंसेक्स की बात की जाए तो 67,038 पे अभी करंटली ट्रेड कर रहा है और 67,088 का आज का हाई है, जो कि लाइफ हाई भी लगता हुआ दिखा। अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बता दूं पहले कहां पे हो रहा है, उसके बाद मैं अपनी पर्टिकुलर स्टॉक्स जो आपके साथ शेयर करना है वो भी शेयर करूंगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपके लिए आज हर तरफ है, पोर्टफोलियो आपकी हरी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ब्रॉडर बेस मार्केट में बढ़िया तेजी है। 1500 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने केवल 400 से भी कम शेयर नेगेटिव है। स्मॉल कैप, मिड कैप, बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स सब 0.5% या फिर उससे ज्यादा ही तेजी में है। तो मेरे को लगता है आपकी पोर्टफोलियो आज हरे निशान में होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो मुबारक देना चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं, अगर सेक्टर स्पेसिफिक देखो तो यहां से भी अच्छी बात है, हर एक सेक्टर हरे निशान में, केवल ऑटो ऐसा है जो फ्लैट नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। फ्लैट है, नेगेटिव भी नहीं कहूंगा। मीडिया, एनर्जी, फार्मा, रियलिटी, पीएसयू, आईटी, मेटल, बैंक, फाइनेंस, एफएमसीजी, ये क्रम है ऊपर तेजी से नीचे तक का। अब आगे बढ़ते हैं, आज के टॉप लीडर्स TV18 ब्रॉडकास्ट, मीडिया ऊपर है आज सेक्टर सबसे ज्यादा, तो वहीं से 10% ऊपर। SW सोलर एक बार फिर से 5.5% की तेजी में लौटता हुआ दिख रहा है, 2 दिन पहले 12-13% भागा था। SJVN, यहाँ पे एक गोल्डमैन सैक्स की बड़ी रिपोर्ट आई है, जहां पे उन्होंने NTPC SJVN पे टारगेट इंक्रीज करे हैं, बड़े टारगेट दिए हैं और आगे के लिए कि इनमें स्कोप ज्यादा दिख रहा है उन्हें। एंड टाटा पावर पे उन्होंने टारगेट घटाया, इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा मैं, बट हाँ ये अपडेट थी, इसी की वजह से आपको NTPC 4.5%, SJVN 6% ऑलमोस्ट ऊपर दिख रहा है। रिजल्ट्स का आपको इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, ICICI प्रुडेंशियल पे 3.5% नीचे है रिजल्ट्स के बाद, MRPL लगभग 2% नीचे है, और ICICI लोम्बार्ड अपने नंबर के बाद 1% नीचे ट्रेड कर रहा है। पेटीएम अच्छी खासी बड़ी तेजी के बाद अब थोड़ा कंसोलिडेशन और साइडवेज 900 का हाई लगाने के बाद 830 पे आ चुका है। ब्राइटकॉम ग्रुप में 0.25% की गिरावट है। रिलायंस का शेयर आपको रडार पे रखना है भैया, दोबारा याद दिलाना चाहूंगा, आज सारे के सारे FNO कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो जाएंगे, तो जिनकी भी पोजीशन है प्लीज आप ये समझो आज एक्सपायरी और कट करनी है। जिस वक्त आपको अच्छा मुनाफा रहा हो या फिर कम लॉस हो रहा हो, उसी वक्त आपको पोजीशन कट करनी है। मेरे को लगता है लॉस तो किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाई पे ट्रेड कर रहा है 52 वीक, तो पोजीशन आज ही कट करनी है याद रखना। कल 10 बजे के बाद ही आप ट्रेड कर पाओगे FNO में, 9:15 के बाद ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि मार्केट में प्राइस डिस्कवरी होने वाली है। रिलायंस की फर्स्ट टाइम ओपन मार्केट में एक नई विंडो खुलेगी, ये अभी तक तो पहली बार हुआ है, आगे भी शायद होगा, दोबारा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर आपको पता होना चाहिए। इंडसइंड बैंक अपने नंबर्स के बाद एक अच्छा रिएक्शन देता है, लेकिन ऊपर से धीरे 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 नीचे आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने हाईस पे लिया होगा कि ये तो भागेगा भागेगा, और ऊपर खरीद के नीचे आ रहा है स्टॉक, तो जब गैप अप हो जाता है तो आपको छोड़ देना चाहिए शेयर, ये आपको सीखना चाहिए। पॉली कैब अपने नंबर्स के बाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है, कल मैंने वीडियो भी शूट करी थी कि किस हिसाब से इसके शानदार नंबर आए हैं, एक बार फिर 3.5-3.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है, 4300 के समथिंग पहुंच गया है स्टॉक,
और यहाँ रिपोर्ट भी आएंगे 4800 तक के टारगेट्स दे रहे हैं लॉन्ग टर्म पर्पस की बात की जाए तो ये तो हो गए आपके लिए सारे स्टॉक्स जो कि एक्शन में चल रहे हैं। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स शेयर करना चाहता हूं जो आपके लिए आज कहीं ना कहीं पैसा बना के दे सकते हैं। देखिए मैं आपको दोबारा रिपीट करूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि आ जाओ खरीद लो, मैं ये कह रहा हूं कि भैया रिस्क है बट हाँ उम्मीद ये 70% चांस है पैसा बन जाएगा। ठीक है, स्टॉक का नाम पहला जो है वो आपका है महाराष्ट्र बैंक। अब महाराष्ट्र बैंक के रीजन पीछे सुन लीजिए क्यों है, महाराष्ट्र बैंक की बात की जाए तो आज इस कंपनी के इस बैंक के नंबर्स आने, लेकिन ऑलरेडी स्टॉक 3.5% भागा हुआ है, ये प्रॉब्लम का विषय। 32.55 पे इंट्राडे में वेट कीजिए, 32 या फिर 31.80 के समथिंग मिलता है, खरीदना है आपको ये शेयर। और आपके लिए नंबर्स आने के बाद देखिए पीएसयू बैंकों के जैसे नंबर आ रहे हैं ना, स्टॉक क्या कर रहे हैं आपके लिए भाग रहे हैं काफी तेजी। तो मेरे को लगता है यहाँ पे आपको 32.50 या 31.80 के समथिंग लेना है, आपका स्टॉप लॉस होगा अराउंड 31.50 का। और टारगेट्स की बात की जाए तो लगभग आपके लिए ₹35 तक के टारगेट्स इस स्टॉक में, इनफैक्ट 35 स्टॉप है, 34 तक का आप टारगेट लेके चलें जहां तक आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 34 रुपीज भी ₹2 से ज्यादा का टारगेट हो गया, दैट मीन्स आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 8% की टारगेट है। तो ये एक स्टॉक है जो आपको रडार पे रखना है। एक और स्टॉक मेरे को लगता है बट उसमें मूव आ गया तो वो मैं कवर करना नहीं चाहूंगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, होप आपको समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।